हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी सी एस आर नेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत किया जाता है। तो भाई आप सभी को सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून एंड जल्दी से आप सभी एक बार इसका हम क्लास को देख लीजिएगा भाई आप। तो डिस्कस करेंगे आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं भाई। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है काफ़ी अच्छे से, और अभी हमारी ये पेरीसाइक्लिक की क्लास नंबर 10th क्लास स्टार्ट हो गई है भाई, ठीक है। हमारी ये क्लास क्या है, क्लास नंबर 10th है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की, और दो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कंप्लीट किया, सेकंड जो थी हमारी साइक्लोएडिशन रिएक्शन थी। ये दोनों अपलोड ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, हमारी जो तीसरी नेम रिएक्शन है वो है आपका सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक तो आपका सिग्मा ट्रोपिक आ रहा है, सिग्मा ट्रोपिक, एंड एक वर्ड यहाँ पे रीअरेंजमेंट आ रहा है, ठीक है। क्या रहा है इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे भाई लास्ट की कुछ आगे आने वाली क्लासेस में। तो सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट देखो, सबसे पहले एक इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन थी, देन साइक्लोएडिशन एडिशन हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर रीअरेंजमेंट वर्ड आया तो इसका भी कोई ना कोई यूज होने वाला है। तो इस सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट में हम अलग अलग टाइप के रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं, जैसे 1-3 रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। उसी को जैसे हम 1-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोल देते हैं, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करनी है भाई। इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं भाई, नेट में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं, और जैम में भी आते हैं। तीनों ही एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा। और 3-3 सिग्मा ट्रोपिक में हमें जैसे पढ़ना है, एक तो आपका सिंपल सिग्मा जिसे हम कोप सिग्मा ट्रोपिक कहेंगे, एंड एक आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट जिसे कहेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये रिएक्शन। तो चलिए उससे पहले इसको स्टार्ट करें, हम डिस्कस कर लेते हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में, अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए भाई, अगर बात की जाए यहाँ अन अकेडमी पे अगर आप CSR नेट या फिर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अन अकेडमी पे आपके लिए भाई कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिससे कि आपके नेट और गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, तो अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो एक मिनट रुकिए भाई, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे अबाउट मी की बात करें तो चलो एक बार नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो मेरा नाम संजय कुमार है भाई, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मेरा नाम संजय कुमार है और पिछले 5 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ भाई, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एंड डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एंड आपको मेरा यूट्यूब पे जो चैनल मिलेगा वो जैम कैम के नाम से मिल जाएगा, ठीक है भाई, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अब आगे। अगर अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स की बात की जाए तो वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तो एक तो भाई आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, यानी कि लाइव क्लास होती हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज एंड आपके वीकली क्विज कंडक्ट करवाए जाते हैं भाई, और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं। तो आपको क्लासेस के दौरान, लाइव क्लासेस के दौरान जो भी आपको डाउट आता है तो वो आप बिल्कुल लाइव क्लास में आपका कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे भाई आपके बहुत सारे एजुकेटर हैं, ठीक है, जो आपको टीच करते हैं, अपने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, अच्छे अच्छे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको टीच करते हैं। और खास बात ये है कि एक ही सब्जेक्ट के भी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर होते हैं, तो जिस भी टीचर का पढ़ाना आपको अच्छा लगे आप उनको उनसे पढ़ सकते हो। ये फिर से वही बात आ गई कि लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आप वीडियोज को कितनी बार ही देख सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होती कि एक बार देखनी है, दो बार देखनी है, कितनी बार भी देखिएगा। और एक ही सब्सक्रिप्शन पे सारे टीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे भाई और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, अन अकेडमी के इस सब्सक्रिप्शन को आप कैसे ले सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और मेरी प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं। उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद जो आपने आपका गोल डालना है वो आपने डालना है CSIR नेट, ठीक है, CSIR UGC नेट आपने ये गोल डालना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे भाई, एक आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है और एक यहाँ पे फ्री क्लास का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो प्लस की बात करेंगे तो प्लस में डेडिकेटेड कोर्स होते हैं भाई, जैसे कोई पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे मैं आपको यहाँ पे पेरीसाइक्लिक पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई कोर्स चल रहा होगा और वो लाइव होता है, कंप्लीट वहाँ पे आपको चीजें मिलती हैं। फ्री में क्या होता है, फ्री में भी भाई लाइव क्लासेस चलती हैं, तो मैं फ्री क्लासेस ले भी रहा हूँ, 7 PM मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, अन अकेडमी पर जाके मुझे फॉलो कर लो आप, ठीक है ना।
समझ में आई ना बात? तो 7 PM पे आपकी मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं कल भी एक क्लास करवा चुका हूँ, जिसमें हमने गेट 2021 का पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस किया था। ठीक है भाई, आई बात समझ में? गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे भाई डिफरेंट डिफरेंट प्राइस शो हो रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है, जिस भी मंथ का आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन ये वाले प्राइस आपको पे करने की ज़रूरत है नहीं। आपको सिंपली एक कोड यूज़ करना है भाई, उस कोड से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। ठीक है, और ये 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा 28 फेब तक। तो आपको एक कोड यूज़ करना है भाई, रेफरल कोड यहाँ पे आप डालेंगे SKCAM। अगर आप SKCAM डालते तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और ये 28 फेब से पहले पहले मिलेगा। तो उससे पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 28 फेब से ले लीजिएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड नज़र आ रहे होंगे, तो इनसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अब करते हैं हमारे टॉपिक की शुरुआत। तो टॉपिक का नाम मैंने बताया कि हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ही पढ़ेंगे, एंड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम है आपका सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्या नाम है भाई इसका? सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा कि सिग्मा, जिससे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की रीअरेंजमेंट होती है। देखो सिग्मा ट्रोपिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड की रीअरेंजमेंट होती है। ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, और सिग्मा ट्रोपिक बोले तो सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। तो भाई कैसे हमें पता लगेगा? देखो अब दो रिएक्शन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, उनके भी बहुत सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है? तो हर रिएक्शन के लिए मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको इंट्रो दे दिया था। सबसे पहले देखिए भाई, इसकी सबसे खास बात ये है कि आपका सिग्मा ट्रोपिक की आपको यहाँ पे अलाइलिक अरेंजमेंट, अलाइलिक क्या देखनी पड़ेगी, अलाइलिक कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलेगा, या अलाइलिक कंपोनेंट बेसिकली से बोलेंगे, आपको यहाँ पे अलाइलिक सिस्टम मिलेगा। भाई अलाइलिक सिस्टम क्या होता है भाई? ये जो कार्बन कार्बन आपका जो डबल बॉन्ड होता है, इसके नेक्स्ट कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, इस कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोल देते हैं, इसको हम अलाइलिक कार्बन बोल देते हैं। तो यहां पे आपको अलाइलिक कंपोनेंट मिलेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे? अलाइलिक कंपोनेंट। दूसरी बात है कि ये वन कंपोनेंट होती है भाई, जैसे हमने देखा कि जो साइक्लोडिशन वो टू कंपोनेंट होती है, लेकिन ये आपका वन कंपोनेंट ही रहेगी, एक ही कंपोनेंट यहाँ पे दिया मिलेगा। उसके बाद ये भाई आपका इंट्रामोलिकुलर टाइप की ही होती है, ये आपका इंट्रामोलिकुलर टाइप की ही होती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक वैसे एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता देता हूँ, आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करना, एक एग्जाम्पल जिससे कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए इस रिएक्शन का। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड यहां पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक, अगर आप इसकी रिएक्शन इसको करवाते हैं हीट की प्रेजेंस में फॉर एग्जांपल, तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये वाला कार्बन कैसा भाई? अलाइलिक कार्बन है क्या? यस बिल्कुल। क्या ये वाला भी अलाइलिक कार्बन है? यस। ये दोनों ही आपका कैसे नजर आ रहे हैं? आपको अलाइलिक कार्बन नजर आ रहे हैं। ये भी अलाइलिक कार्बन है और ये भी अलाइलिक कार्बन। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहां से। तो देखिए ये आपका फर्स्ट हो गया है ना, हमेशा अलाइलिक कार्बन से ही आपको नंबरिंग करनी है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। इसी प्रकार ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो वन वन का बॉन्ड है इसको ब्रेक करते हैं भाई। इसमें क्या किया जाता है, इस वन वन के बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, ये यहां पर ब्रेक होगा, ये वाला यहाँ पे ब्रेक होगा, और ये वाला यहाँ पे। जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो देखिएगा यहाँ तीन और तीन के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है, तीन और तीन के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है, एंड आपका वन और वन का बॉन्ड टूट चुका है। ठीक है, उसके बाद एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो हुआ है ना, यहाँ पे सिंपली सिग्मा बॉन्ड की रीअरेंजमेंट हो गई है, इसी रिएक्शन को बोला जाता है। और ये एक स्पेशल केस मैंने आपको पढ़ाया है, इसको हम बोलते हैं 3-3 सिग्मा ट्रोपिक। ठीक है, अब ये 3-3 क्या है सर? ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे ऑलरेडी। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे अलाइलिक कंपोनेंट आपको जरूर मिलेगा, इस बात की पहचान है कि वो सिग्मा ट्रोपिक का केस हो सकता है। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ठीक है सर ये समझ में आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ अलाइलिक सिस्टम। ठीक है, अब किसकी बात की जाएगी यहाँ पे? टाइप्स ऑफ अलाइलिक सिस्टम की। ये जो अलाइलिक सिस्टम है, इसके हमारे पास बेसिकली कितने टाइप्स हो सकते हैं? तो देखो भाई, मोनो अलाइलिक भी हो सकते हैं। मोनो अलाइलिक कंपोनेंट का मतलब एक ही अलाइलिक का कार्बन आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले कुछ उसी के एग्जांपल देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकते हैं? मोनो अलाइलिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, मोनो अलाइलिक
कंपाउंड या कंपोनेंट आप बेसिकली बोल सकते हैं। कैसे भाई? देखो, ये जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर आपने यहाँ पे लगा रखा है हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा भाई, मान लो ये आपका क्या सॉरी, इसको तो हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, एक मिनट इसको वापस से कर लेते हैं। तो ये आपका जो सिस्टम आ गया, ये कार्बन ही है, तो ये एक आपका मोनो अलाइलिक है भाई, एक ही यहाँ पे अलाइलिक सिस्टम नजर आ रहा है आपको। उसके बाद और कैसे कैसे, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, एंड ये वाला भी जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, ये भी एक ही अलाइलिक सिस्टम का एग्जाम्पल है। और आप कौन कौन से एग्जाम्पल दिखा सकते हैं भाई यहाँ पे, और कौन कौन से एग्जाम्पल? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया भाई, फॉर एग्जाम्पल, नहीं इसको ऐसे मत दिखाई, इसको कुछ ऐसे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये भी हमारा कैसा आ गया भाई, अलाइलिक कार्बन आ गया। तो मोनो अलाइलिक का मतलब समझते हो कि यहाँ पे आपको एक ही अलाइलिक कंपोनेंट मिलेगा, एक ही अलाइलिक कार्बन मिलेगा। उसके बाद देखो, इस जैसे और भी हो सकते हैं भाई, वो थोड़े से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये जो आपका कार्बन लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, इसके ऊपर लगा हुआ है सल्फोक्साइड, ठीक है, एस डबल बॉन्ड OPH। तो ये भी हमारा मोनो अलाइलिक सिस्टम ही होता है ना, मोनो अलाइलिक सिस्टम ही हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए भाई, यहाँ पे आप SE डबल बॉन्ड OPH भी लगा सकते हैं, तो ये भी हमारा एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा। इसके बाद ये वाला केस भी भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ये आपका यहाँ पे, और इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, नाइट्रोजन, क्या लगा दिया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपने लगा ये नेगेटिव, इसके ऊपर आ गया आपका पॉजिटिव, एंड ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो देखो, ये भी, ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनो अलाइलिक सिस्टम, जहां पे आपको एक ही अलाइलिक कंपोनेंट देखने को मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? इसके अलावा भी हम दो तीन और लिख सकते हैं भाई, वो भी लिख ही लेते हैं साथ में, ताकि हमको सबका आइडिया हो, है ना, कल को अगर हम देखें तो यहाँ पे। तो ये देखो, एक इस टाइप से सिस्टम हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका अलाइलिक कार्बन हो गया, और इसके ऊपर आप क्या दिखा सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका R है और यहाँ पे भी R है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए और यहाँ पे नेगेटिव आ जाए। दिस इज ऑल्सो वन मोनो अलाइलिक कंपाउंड है ये भी। उसके बाद यहाँ पे भाई आपने जैसे ये दिखाया, आप यहाँ पे सल्फर भी दिखा सकते हैं ऐसे ही करके, कि ये आपका अलाइलिक हो गया। इसके ऊपर आप क्या दिखा सकते हैं भाई, ये सल्फर, इसके ऊपर पॉजिटिव दिखाएंगे, एंड CH2 जो रहा होगा या कार्बन, उसके ऊपर नेगेटिव दिखाएंगे R। तो ये जो सारे मैंने आपको दिखाए हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ मोनो अलाइलिक सिस्टम, ठीक है भाई, ये मोनो अलाइलिक है, सबको समझेंगे। उसके बाद जो आपका भाई वो बाई अलाइलिक सिस्टम भी हमारे पास देखने को मिल सकते हैं, और ज्यादातर केसेस में हमें बाई अलाइलिक सिस्टम वाला ही हमारा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने जो आपको दिया था अभी, वो बाई अलाइलिक का एग्जाम्पल था, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल था भाई, वो आपका बाई अलाइलिक का। देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे ही आपने ये दिखाया, यहाँ पे भी क्या आ गया, डबल, ये आ गया एक अलाइलिक सिस्टम। तो एक अलाइलिक सिस्टम आपका ये वाला हो गया, और दूसरा अलाइलिक सिस्टम आपका ये वाला हो गया, तो इसको हम बोलेंगे बाई अलाइलिक सिस्टम। उसके बाद जैसे भाई अगर आप यहाँ पे देखें, ये O आ गया सेम, इसमें बस जस्ट हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा लगा दिया है, तो यहाँ पे जो आया है ये भी आपका कुछ इस टाइप से अलाइलिक सिस्टम ही, इसको भी कहेंगे अलाइलिक कंपोनेंट ही, इसको भी कह देंगे। समझ में आया? तो ये बाई अलाइलिक सिस्टम होगा। अब देखिए भाई, इसमें जैसे प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, तो पहले मोनो अलाइलिक से ही आइडिया लेंगे भाई। तो प्रोडक्ट को कैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो और इनका जो नेमिंग है, नोमन क्लेचर किस तरह किस प्रकार से किया जाता है सिग्माट्रोपिक का, तो वो भी एक बार हम अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अगर बात की जाए भाई यहाँ पे कि किस प्रकार से हम करते हैं, तो देखिएगा इसमें, देखो ये सबसे पहले वाला मोनोअलाइलिक का केस लेते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड ये आपका अलाइलिक कार्बन, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है भाई, हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे। तो जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, देखना भाई, इसकी रिएक्शन पर्टिकुलर करवाई जाती है लाइट के केस में। यहाँ पे भी वही फॉलो करना है जो आपको डाइल्स एल्डर में बताया गया था। अगर आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन पेयर रहे, है ना, समझाया था मैंने भाई आपको अच्छे से, अगर आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन पेयर रहे तो वहां पे आपको लाइट हीट का सोर्स लेना है, अगर आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन पेयर रहे तो वहां पे आपको लाइट का सोर्स लेना है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये कौन सा सिस्टम है, तो देखो दो तो ये वाले बॉन्ड हो गए, ये वाला भाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो ये वाले और दो ये वाले, चार हो गए, चार बोले तो दो, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, दो। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये फिर आपका यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में होगी। अब देखिएगा कैसे होता भाई, ये वाला जो, इसमें नंबरिंग करिए सबसे पहले, तो नंबरिंग यहां से करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, है ना, अलाइलिक से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है, अलाइलिक कार्बन से फर्स्ट,
उसके बाद सेकंड एंड उसके बाद थर्ड। और यहां से देखिएगा इसको भी हम फर्स्ट नंबरिंग देंगे भाई, इसको भी हम नम फर्स्ट नंबरिंग देंगे। और क्या बताया आपको यहां पे, देखिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको वन वन बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो आपने इस वाले बॉन्ड को यहां पे ब्रेक किया होगा, तो ये वाला बॉन्ड इसके साथ कनेक्ट करेगा। तो जब आप यहां से देख रहे होंगे कि आपको यहां पे क्या दिखने वाला है कि ये जो आपका भाई अब कार्बन, ये जो हाइड्रोजन है अब इस तीसरे नंबर पे आ चुका होगा एंड अब यहां पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन चुका होगा। तो ये जो हुआ है यहां से बेसिकली ये वाला जो 1-1 का बॉन्ड था अब ये कहां पे शिफ्ट हो गया भाई, ये जो 1-1 का बॉन्ड है यहां कहां पे शिफ्ट हो गया, कुछ इस प्रकार से ये शिफ्ट हो गया है। इसी को देखिए यहां से 1 से 3 पे शिफ्ट हुआ है ना, 1 से 3 पे शिफ्ट हुआ, तो इसे इसलिए बोला जाता है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसे क्या बोला जाता है, 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। यहां पे सिग्मा बॉन्ड की रीअरेंजमेंट होती है, यहां पे सिग्मा बॉन्ड की रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है भाई, एक और पर्टिकुलर केस देख लेते हैं भाई, ऐसा ही एक और केस है हमारे पास, अगर उसको भी डिस्कस करें तो कैसे किया जा सकता है, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको भी देख सकते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अब यहां पे देखिएगा भाई यहां पे हमारा एक कार्बन लगा हुआ है, इसको भी ऐसे ही दिखा देते हैं कि यहां पे हमारा एक कार्बन लगा हुआ है, ये हमारा अलाइलिक कार्बन हो गया, और इसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है, हाइड्रोजन। तो देखिए ये अलाइलिक है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5। अब सबसे पहले अब यहां से ये हो गया तो इसको भी नंबरिंग फर्स्ट देंगे भाई, फर्स्ट और फर्स्ट के बीच का बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे भाई फर्स्ट और फर्स्ट के बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आएगा यहां पे, ये वाला बॉन्ड आएगा यहां पे, और ये वाला पर्टिकुलर बॉन्ड जाएगा यहां पे। अब यहां पे अगर बात की जाए, ये पर्टिकुलर रिएक्शन हीट के केस में होगी, क्यों, क्योंकि यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर 3 आएंगे, और 3 अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर आते हैं, अगर ओड इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो वो फिर हमारा हीट, वो हमारा क्या हो जाएगा फिर भाई आपका हीट में प्रोसीड होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा फिर हीट में प्रोसीड हो जाएगी। समझ में आ रही है भाई आपको बात, ठीक है। अब अगर यहां से देखा जाए इसको, तो यहां से हम देखें तो ये हो जाएगा भाई अब यहां पे ऐसा 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 एंड यहां पे देखो, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक यहां पे आ चुका होगा एंड एक यहां पे आ चुका होगा एंड इस पोजीशन पे अब हमारा हाइड्रोजन यहां पे लग गया होगा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे 1 से 5 पे आपका क्या हुआ भाई, 1 से 5 पे आपका क्या हुआ है, यहां पे शिफ्टिंग हुई है, 1 से 5 पे यहां पे आपकी शिफ्टिंग हुई है, इसलिए इसको बोला जाता है आपका 1-5 है ना, 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का ये केस कहलाता भाई। तो आपको मेरे हिसाब से काफी हद तक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है भाई। एक मिनट थोड़ा सा समय एक बार ले लेता हूं मैं यहां पे भाई आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, ये एक पर्टिकुलर केस हमने लिया, इसके अलावा भी 2-4 एग्जांपल और देख लेते हैं भाई, जिससे कि आपको और काफी बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ जाए। तो ये हमने लिया यहां पे भाई, अब हम थोड़ा सा और चेंज लेके आते हैं। तो यहां पे देखिए भाई, इसके ऊपर अगर आपने ये अलाइलिक हो गया, इसके ऊपर क्या दिखाया गया, ये एस डबल बॉन्ड ओ एंड यहां पे फॉर एग्जांपल आपको पीएच दिखाया गया है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं तो पहली बात तो ये कि इसकी रिएक्शन आप कैसे करवाएंगे भाई, है ना। तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं भाई, यहां पे देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको भी ये आपका हो जाएगा 2-4, ये भी आपका लाइट के केस में पर्टिकुलर प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए नंबरिंग करेंगे यहां से फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड एंड उसके बाद थर्ड, ठीक है। ये हमने यहां से नंबरिंग की, इसमें अगर आप नंबरिंग करेंगे ये हो जाएगा फर्स्ट एंड ये हो जाएगा सेकंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1-1 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे भाई यहां पे एंड ये वाला बॉन्ड जोड़ेंगे यहां पे, और ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला तो ऐसे जुड़ा ही रहेगा भाई बेसिकली, इसमें हम ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको देख रहे होंगे तो क्या आएगा कि 1-1 का बॉन्ड ऑलरेडी टूट चुका है, ठीक है। तो यहां पे अब आ जाएगा कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, देखो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। अब इस 3 के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, ऑक्सीजन, एंड इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा होगा, सल्फर, एंड यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, पीएच। इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा, और ये भी फिर किस टाइप की कहेंगे भाई, यहाँ पे ये किस टाइप की रीअरेंजमेंट हो गई, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरे से देखो ये दूसरा था, यहाँ पे तीसरा था, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। कैसे हुआ भाई, इसको कई बार ना आप
आप ऐसे करके ना देके एग्जामिनर, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे देता है, तो उसका भी हमें यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पे हमने लिया हमारा अलाइलिक और इसके ऊपर हमने फिर से क्या लगा दिया है, ओ के ऊपर लगाया है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लगाया है पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे सी एच टू के ऊपर लगाया है नेगेटिव चार्ज। हो सकता है कि यहाँ पे और भी कोई प्रेजेंट हो, सी एच थ्री हो, आर हो कोई, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लगा लेते हैं कि आर है, तो दिस इज इसकी भी रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे भाई आपका, इसकी भी प्रेजेंस लाइट या हीट वो हम देखते रहेंगे ऑलरेडी, उसमें कोई ज़्यादा इशू बनता नहीं है भाई आपका। मान लो हीट की प्रेजेंस में करवा दी जाएगी ये, तो सबसे पहले देखो ये आपका अलाइलिक हो गया वन एंड उसके बाद टू एंड उसके बाद थ्री, यहाँ से देखेंगे ये आपका वन हो गया एंड ये आपका टू हो गया, वन वन के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, इसको यहाँ पे तोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से तोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो जब आप यहाँ से जोड़ रहे होंगे फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी, ये आपका कार्बन नंबर वन, ये कार्बन नंबर टू, ये कार्बन नंबर थ्री एंड इसके साथ लगा हुआ इसके साथ अब कार्बन लगा हुआ, भाई ये बात ध्यान में रखना, इसके साथ अब कार्बन यानी कि सी एच टू लगा हुआ है और इस सी एच टू के साथ लगा हुआ आपका ओ आर, इस सी एच टू के साथ क्या लगा हुआ ओ आर, ये फिर से किस टाइप की का एग्जांपल हो गया भाई, ये फिर से आपका 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का एग्जांपल हो गया, ये फिर से किसका एग्जांपल हो गया, ये आपका 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक का एग्जांपल हो गया, समझ में आ रही है बात। तो देखो मैंने 1-3 का केस बताया, फिर मैंने आपको 1-5 का केस बताया, अब मैंने आपको 2-3 का भी केस समझाया है, आगे और देखिए भाई और कैसे कैसे केस पर्टिकुलर है। तो ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल लिखा था भाई, सबसे पहले और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के हमें देखने को भी मिलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी रिएक्शन जब करवाई जाती हीट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से देखो ये आपके क्या होगी भाई फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद यहाँ से सेकंड, यहाँ से थर्ड, अब ये आपका बाइलाइलिक सिस्टम, यहाँ से भी वन, यहाँ से भी टू एंड यहाँ से भी थ्री, क्या करना है, वन वन के बीच का बॉन्ड तोड़ दीजिए यहाँ पे, थ्री थ्री के बीच का बॉन्ड जोड़ दीजिए, वन वन का तोड़ दीजिए, थ्री थ्री का जोड़ दीजिए, बस, और एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, जो कुछ भी घुमाओगे वो एक ही डायरेक्शन में कीजिएगा। तो अब देखिएगा जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, है ना, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन ये जो थ्री थ्री था इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, इसीलिए इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उन्हें हम बोलते हैं भाई 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट हमारी 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ही होती हैं, ज्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के ही देखने को मिलते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखो भाई और पर्टिकुलर, भाई और भी हो सकते हैं क्या ऐसे कुछ पर्टिकुलर केस, यस भाई क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पे और भी देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन, अगर इसकी भी रिएक्शन करवाएं हीट की प्रेजेंस में तो आपको ये क्या नजर आ रहा भाई, एक अलाइलिक सिस्टम आपको ये वाला नजर आ रहा है, दूसरा अलाइलिक सिस्टम ये वाला नजर आ रहा है, तो यहाँ से अगर देखा जाए वन, इसको देखें टू, इसको देखें थ्री, इसको देखें फोर, इसको देखें फाइव, इसी प्रकार यहाँ से वन, ये आपका टू, ये आपका थ्री, ये आपका फोर एंड ये आपका फाइव, तो ये क्या हो गई भाई आपकी, इसको देखिए इसमें फिर से वही करना पड़ेगा, वन वन का बॉन्ड तोड़ना है, इस बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ेंगे, इसको यहाँ पे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, इस तरीके से, तो जब बना रहे होंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा इस पर्टिकुलर का वो क्या आ जाएगा भाई, वो आपका यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये जो सिस्टम आया है, ये जो प्रोडक्ट बना है, इसे बोला जाता है 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसे क्या बोला जाता है आपका, 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोला जाता है। बोलिए भाई समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कमेंट कर करके बताते रहना भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये 5-5 का केस है, तो एक बार दोबारा से पूरी कहानी शुरुआत कर लेते हैं। सिग्मा ट्रॉपिक बोले तो आपको मिलेगा अलाइलिक कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट मिलता है इंट्रामोलिकुलर। अलाइलिक क्या होता है मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइलिक सिस्टम पढ़ाए, मैंने कहा कि वो मोनो अलाइलिक भी हो सकते हैं एंड फिर मैंने बताया कि वो बाई अलाइलिक भी हो सकते हैं, फिर मैंने हमने देखा भाई ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है इवन हो तो ऐसे, 1-3 का एग्जांपल लिया, 1-5 का एग्जांपल लिया एंड उसके बाद 2-3 के दो एग्जांपल लिए काफ़ी अच्छे से,
उसके बाद 3-3 का एग्जाम्पल एंड 5-5 का एग्जाम्पल लिया। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती भाई वो होती है आपका 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं भाई। पिछली बार अभी जो नेट में हाल में ही पेपर हुआ था, नेट का जो हाल का ही पेपर हुआ था जो कि नवंबर 2020 में हुआ था, तो उसमें भी जो आपकी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था वो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से ही था। ठीक है, तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में आपको एक बात तो ये समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे आपका जो आपको बाइलाइलिक सिस्टम मिलेगा भाई उसको हीट करते हैं। तो ये भी अब भाई जो 3-3 होती है ये भी मेजरली आपका भाई दो टाइप की होती है। ठीक है, ये जो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है ये मेनली भाई आपका दो टाइप की होने वाली है। कौन कौन सी भाई? एक को आपका बोला जाता है कोप रीअरेंजमेंट, एक को भाई COPE, कोप रीअरेंजमेंट। ठीक है, एक हो गया आपका COPE, कोप रीअरेंजमेंट बोलेंगे भाई। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं हमारा कोप रीअरेंजमेंट। अब इसकी भी टाइप्स होती हैं कोप रीअरेंजमेंट की। एंड सेकंड इज योर क्लेसन। सेकंड क्या होती है आपकी? क्लेसन रीअरेंजमेंट। क्लेसन कंडेंसेशन नहीं, वो तो एक अलग रिएक्शन होती है, वो नेम रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका आ जाती है भाई आपका, अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर सॉरी भाई थोड़ा सा एक बार डिस्टरबेंस हुआ तो मैं एक बार फोन को साइलेंट कर लेता हूँ, सॉरी फॉर इसके लिए सॉरी आप सभी। देखो अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोप रीअरेंजमेंट हो गई एंड क्लेसन रीअरेंजमेंट, ये दोनों ही किस टाइप की होंगी? 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक टाइप की होंगी। उसके बाद देखिए भाई ये जो कोप वाली होती है ये भी अपने आप में चार टाइप्स की होगी, है ना। ये भी अपने आप में चार टाइप्स की, कोप वाले भी चार टाइप्स। सबसे पहला होता भाई आपका सिंपल कोप रीअरेंजमेंट, है ना, CR से लिख देते हैं, सिंपल कोप बोलते हैं भाई, सबसे पहला सिंपल कोप। उसके बाद जो होती है भाई आपका ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट होती है। इनमें क्या डिफरेंस होता है सब डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद जो आएगी वो ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट आ जाती है भाई, ऑक्सी कोप। अगर नेक्स्ट बात करें तो एजा, है ना, एजा कोप रीअरेंजमेंट आती है, सभी को पढ़ाएंगे एजा कोप रीअरेंजमेंट आती है। एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो एजा ऑक्सी कोप, अब मिला देते हैं दोनों को, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी आपका? एजा ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, एजा ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। तो कोप जो रीअरेंजमेंट होती है भाई हमारी, सबसे पहले सिग्मा ट्रॉपिक जो 3-3 वाली, वो दो टाइप की, कोप रीअरेंजमेंट एंड क्लेसन रीअरेंजमेंट। कोप वाले है वो चार प्रकार की, सिंपल कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, एजा कोप, और ये वाली समझ में आती है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें क्लेसन की भी बात करेंगे भाई, क्लेसन की भी टाइप्स होती हैं, क्लेसन भी 3-4 टाइप से हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम इससे शुरुआत करते हैं कोप से, ठीक है। एक बार हम कोप से शुरुआत करते हैं, क्लेसन की भी टाइप्स होती हैं तो उसको भी पढ़ लेंगे। तो कोप वाली में हम सबसे पहले देख लेते हैं भाई, हमारी कोप की सबसे पहली टाइप जो है वो आपका सिंपल कोप है। कौन सी है भाई आपका? सिंपल कोप रीअरेंजमेंट। सिंपल कोप रीअरेंजमेंट में क्या होगा भाई आपको, यहाँ पे जो आपकी अलाइलिक पोजीशन होगी वो जनरली कार्बन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो अलाइलिक पोजीशन मिलेगी, अलाइलिक जो होगा वो कार्बन होगा यहाँ पे भाई, अलाइलिक पोजीशन पे। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया है CH3, यहाँ पे भी आपने लगा दिया है CH3। इसकी रिएक्शन अगर आपको करवाने को बोले कि 180 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि हीट की प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन करवानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये देख लो भाई, ये अलाइलिक पोजीशन आ गई और अलाइलिक पोजीशन कार्बन ही नजर आ रहे हैं। तो देखो नंबरिंग करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां से भी करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 3-3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। जब आप बना रहे होंगे इसका प्रोडक्ट तो वो कुछ आप इस टाइप का बना रहे होंगे। यहाँ पे जो ये CH3 है आपने ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे जो ये CH3 आपने ऐसे दिखाया, उसके बाद और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गए होंगे भाई? एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ गया होगा और एक डबल बॉन्ड आपका कुछ इस प्रकार से आ गया होगा। बोलो भाई समझ में आ रही है? मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ी तो नहीं की जहाँ तक मुझे लगता है, बिल्कुल भी कोई गड़बड़ी नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर केस हो जाता है, ये आपका पर्टिकुलर एक है केस हो जाता है सिंपल का। और भी बहुत सारे केस हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं भाई, तो वो कैसे कैसे होंगे आइए एक बार उसी के एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये था भाई आपका, उसके बाद एक दो और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना, ये आपका कुछ इस टाइप से हो जाता भाई, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन, एंड यहाँ पे हमने कार्बन कार्बन, यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग लगा दी है, इसको हमने किया है हीट।
तो ये बताना भाई कौन सी रिएक्शन है सबसे पहले। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हमारी अलाइली कार्बन, ये भी अलाइली कार्बन, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, इसको थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड। क्या पढ़ाया जाता है? वन वन के बीच का बॉन्ड तोड़ दो भाई, वन वन के बीच का बॉन्ड एक डायरेक्शन में किसी में, यहाँ पे इस तीन तीन का बॉन्ड तोड़ दो और ये यहाँ पे। तो जैसे ही आप देखेंगे अब आपका ये वाला पर्टिकुलर बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि यहाँ तीन और तीन के बीच में बॉन्ड बन गया भाई, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे बना, ये ऐसे, और अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, थ्री मेंबर की रिंग नजर आ रही है। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे थ्री मेंबर की रिंग नजर आ रही है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। जब आप देखेंगे इसको तो यहाँ पे एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पांच, उसके बाद छह और सात मेंबर की रिंग बन जाएगी। अगर आप इसको कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं तो कुछ आप इसको इस वे में भी दिखा सकते हैं, इसको कुछ आप इस वे में भी दिखा सकते हैं कि अगर ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो ये अगर आपकी फर्स्ट है तो दो और तीन के बीच में, और यहाँ पे आप बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है भाई। और कैसे कैसे पर्टिकुलर केस देखने को मिल सकते हैं भाई, जैसे कि ये वाला केस भी भाई एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो यहाँ पे हमने लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी ये लिया, अब यहाँ पे हमने फोर मेंबर की रिंग बना दी है, इसको हमने कर दिया है हीट। तो ये भी आपका सिंपल कोप, सिंपल कोप रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। कैसे भाई, देखिए ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपकी, यहाँ से देखो इसको आप फर्स्ट अलाइलिक पोजीशन है तो इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे भी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। तो वन वन के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, थ्री थ्री के बीच का बॉन्ड जोड़ दो। तो जैसे ही आप जोड़ रहे होंगे यहाँ पे ये ऐसे करके कुछ ऐसे, एंड यहाँ पे अब आपका चार मेंबर वाला बन गया होगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये आपका एट मेंबर की रिंग बन जाएगी, ये आपका एट मेंबर की रिंग बन जाएगी, और एट मेंबर की रिंग को कुछ हम इस प्रकार से यहाँ पे शो कर सकते हैं, हम इस प्रकार से इसको शो कर सकते हैं। तो ये जो था आपका भाई पर्टिकुलर सिंपल है। अब एग्जामिनर इतना सिंपल तो देगा नहीं, हाँ जो जैम का एग्जाम है या एमएससी एंट्रेंस जो होते हैं उनमें इतना सिंपल क्वेश्चन दिया जा सकता है ऑलरेडी। हाँ अगर इसमें भी पूछेगा तो स्टीरियो में आपको कन्फ्यूज करेगा आगे, ठीक है। अब देखो सिंपल नहीं देता है तो एक पर्टिकुलर एक अच्छे केस क्वेश्चन देखते हैं भाई, जिनसे कि हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे आपसे चीजें पुट की जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर ये केस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दिया भाई, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और एक ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर अगर बात की जाए, इसके यहाँ पे यह हाइड्रोजन, ये बेसिकली ये आपको दिया है और बोला गया कि इसकी रिएक्शन करवानी है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवानी है LDA, जो कि एक बेस होता है, एंड TMS क्लोराइड, TMS क्लोराइड के साथ। सेकंड बोला कि इसको हीट करना, और तीसरा बोला है कि आपको इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना भाई आपको? इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, वो हमें पता होना चाहिए। आपको पता है कि ये जो LDA होता है ये एक बेस होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो ये प्रोटॉन है इसको बाहर निकालेगा, ठीक है। इस प्रोटॉन को बाहर निकालने के बाद OTMS अटैक करेगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वाला स्टेप भी आपको करके दिखाऊं पर्टिकुलर, तो देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड O था यहाँ पे, एंड बाकी एक बार सब सेम रखते हैं, बाकी में कोई चेंज नहीं, ऐसा ही किया ना, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये वाला पर्टिकुलर यहाँ पे जाएगा और ये वाला पर्टिकुलर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से आपको अरेंजमेंट आ जाएगी। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ चुका ऑलरेडी, यहाँ O के ऊपर नेगेटिव आ चुका है, एंड ये आपका ऐसा और यहाँ पे आपका सेम है। इसके बाद आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, TMS क्लोराइड, TMS क्लोराइड। तो अब क्या होगा, ये जो O नेगेटिव है ये इस TMS पे अटैक करेगा और यहाँ से इस क्लोरीन को बाहर निकालेगा, है ना। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से करवाएंगे तो आपके पास पर्टिकुलर क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे OTMS आ चुका है, एंड आपका यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड ये आपका ये। उसके बाद क्या बोला गया भाई, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप ही हुआ है, LDA एंड TMS क्लोराइड, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप ही हुआ है। इसके बाद हीट दी गई है, एंड दिस इज सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ये आपका सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट हो गई, और थ्री थ्री सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। कैसे, क्या ये अलाइलिक पोजिशन नजर आ रही है, क्या यहाँ से भी अलाइलिक पोजिशन, यस। इसको लिखेंगे वन, इसको लिखेंगे टू, इसको लिखेंगे थ्री, वन टू थ्री, वन वन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, थ्री थ्री के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा।
अब इसको अगर आप देखेंगे कि क्या बनाना है बेसिकली, तो अब कार तीन तीन का बीच का बॉन्ड जोड़ दिया भाई, तीन तीन के बीच का बॉन्ड जोड़ दिया। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपकी थ्री मेंबर, ठीक है, एक डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और ये OTMS लगा था आपका, यहाँ पे OTMS लगा हुआ है। इसको अगर आप दिखाएं तो ये सेवन मेंबर की बन गई है बेसिकली, ये हमारी क्या बन गई है भाई, सेवन मेंबर की रिंग बन गई है। एक डबल बॉन्ड अगर आप यहाँ पे दिखा रहे हैं तो दूसरा डबल बॉन्ड आप कहाँ पे दिखा सकते हैं, दूसरा डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको कहूँ वन टू थ्री, तीसरे पे दिखाया तो फोर और फाइव को छोड़ के, तो ये अगर मेरा वन था, ये टू और ये थ्री, फोर और फाइव को छोड़ के, ये आपका फोर एंड फाइव को छोड़ के यहाँ पे आपने बना देना। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, OTMS। क्या बस यहीं तक हो गया क्या ये आंसर? नहीं भाई, इसके बाद आपको क्या बोला गया कि एसिडी का हाइड्रोलिसिस करना है। इसके बाद आपको क्या बोला गया है कि एच पॉजिटिव एंड वाटर, तो सबसे पहले OTMS का क्या होगा भाई, यहाँ से ये इसके साथ अटैक करेगा और इसका हाइड्रोलिसिस होता तो क्या बनता, अल्कोहल। क्या बनता भाई यहाँ से, अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बन जाएगा। देखेंगे ये आपका ऐसा कैसा यहाँ पे ही यह होगा। ये आपको कौन सी फॉर्म नजर आ रही है, दिस इज योर इनोल फॉर्म। इस फाइनली इनोल फॉर्म को हम चेंज कर देंगे हमारी कीटो फॉर्म में, और जो हमारा फाइनली आंसर आएगा वही है भाई हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये था भाई, देखो इतना अच्छा क्वेश्चन बना के दिया गया। इसमें सिंपली आपसे पूरा, आप एक बार दोबारा से इसको देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा था कि ये भाई आपका थ्री थ्री सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सबसे पहले एलडीए बेस होता है, वो इस नेगेटिव चार्ज को निकालेगा, यहाँ पे बनेगा, उसके बाद यहाँ से OTMS क्लोराइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाना था, इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाना था, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई। अभी एक बार पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आगे का जो है कंटिन्यू करेंगे। तो सिंपल में कोई ज़्यादा ऐसा, सिंपल में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा, तो जो हमारी कलेजन वाली थी भाई, वो कैसी थी, सिंपल। ठीक है भाई, तो जो हमारी सॉरी कोप की बात कर रहा था भाई, मैं एक बार दोबारा से आ जाता हूँ यहाँ पे टॉपिक पे, कोई बात नहीं। तो हम सिंपल कोप के एग्जांपल कुछ पढ़ चुके हैं, आपको समझ में अभी आ गया हुआ। अब हम एक बार चलते हैं भाई सेकंड टाइप ऑफ अवर कोप रीअरेंजमेंट, थ्री थ्री सिग्मा का सेकेंड जो टाइप है वो हमारा कौन सा भाई, वो है हमारा ऑक्सी कोप। क्या नाम आ रहा है भाई यहाँ पे, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। अब इसमें क्या होने वाला है वही हमें यहाँ पे ध्यान से देखना भी है। ऑक्सीकोप में क्या हो जाएगा भाई, यहां पे आपका जो एलाइलिक पोजीशन उसके ऊपर अल्कोहल मिलेगा। जैसे कि देखना यहां पे ये कार्बन, ये आपका ऐसे इस प्रकार से हमने बनाया, यहां पे ये यहां पे ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। अब ऑक्सी की पहचान क्या है कि यहां पे जो एक एलाइलिक पोजीशन होती है उसके ऊपर आपको OH मिलेगा, है ना। ऑक्सी की पहचान क्या है, ऑक्सीकोप की एक अलाइलिक पोजीशन पे आपको यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। हो सकता है कि वो दोनों पे भी हो, है ना, हो सकता है कि वो दोनों पे भी हो, लेकिन एक पर्टिकुलर पे तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी इसकी पहचान हो जाएगी भाई, समझ में आ रहा है ना आपको, ये इसकी पहचान हो जाएगी। अब देखिए इसको कैसे करवाया जाएगा फर्दर। अब जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से फिर से रिएक्शन में कोई खास चेंज नहीं देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। वन वन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, थ्री थ्री के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, और ये भी यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको देखेंगे अब ये आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये और इसके ऊपर लगा हुआ है OH, यहाँ पे ये। अब देखें अगर इसको देखा जाए यहाँ से, ये आपकी इनोल फॉर्म नजर आ रही है, तो इसको हम फाइनली किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे सी डबल बॉन्ड ओ और ये हो जाएगा कार्बन कार्बन आपका ये, ठीक है। तो कई बार क्या करता एग्जामिनर आपका जो होगा वो इसको इस तरीके से नहीं दिखाएगा, वो इसको कुछ अलग तरीके से दिखाता ताकि बच्चे आसानी से समझ ना पाए। जैसे ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर एंड ये आपका हो गया फाइव, ये आपका हो गया फाइव। फाइव तो नहीं होना चाहिए भाई, हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी है इस फिर इसमें, है ना। तो कहाँ पे गड़बड़ी की एक बार देखो ध्यान से, कहाँ पे हमने इसमें गड़बड़ी कर दी है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा।
चलो इसको कोई नहीं, दोबारा ही बना लेते हैं भाई। तो ये देखो, ये आपका हो गया डबल ऐसा, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ठीक है, चार हो गए। उसके बाद ये वाला यहाँ पे एंड ये वाला यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा एंड यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाएगा। अब बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ एंड इसको सिक्स्थ। तो एग्जामिनर जो बना के देता है इस क्वेश्चन को, वो कुछ इस टाइप से, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, और यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देगा। तो सिंपली इस टाइप से नहीं दिया जाता, कुछ आपको घुमा फिरा के कुछ इस टाइप से आपको दे दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात भाई? समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन की कैसे इसको डील करना होता है, कैसे हम इसको करेंगे? तो ये भी अपने आप में भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद भी देखिए, यहाँ पे आपका किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ की फॉर्मेशन हो रही है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ की फॉर्मेशन हो रही है, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी और भी रिएक्शन करवाई जा सकती है, विटिक रिएक्शन भी, अल्डोल कंडेंसेशन भी, एंड और भी बहुत सारे कार्बोनिल्स की सारी ही रिएक्शन हम यहाँ पे करवा सकते हैं। समझ में आया भाई? चलो इसके बाद अगर ऐसा करके दे दिया जाए भाई, आपको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये आपका आ गया कुछ इस टाइप से हमारा सिस्टम। अब यहाँ पे आपका जो है डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो है हमारा डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे भी लगा दिया ओ एच एंड यहाँ पे भी लगा दिया ओ एच। अब इसको किया जाता है हीट, इसको अगर हीट करेंगे तो ये अलाइलिक पोजिशन, ये भी अलाइलिक पोजिशन, यहाँ से फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, यहाँ से फर्स्ट, ये आपका सेकेंड और ये आपका थर्ड। फर्स्ट और फर्स्ट के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, तीन और तीन का बॉन्ड जोड़ेंगे। तो जब आप यहाँ से कर रहे होंगे इसको, इस रिएक्शन को यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये तीन और तीन का, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, इसके ऊपर भी ओ एच एंड इसके ऊपर भी ओ एच। अब ये दोनों ही आपको कीटो फॉर्म नजर आ रही है, सॉरी इनोल फॉर्म नजर आ रही है। अब इसका हम इसको चेंज करेंगे आपका कीटो इनोल टीएम में, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे करेंगे भाई कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में इसको कन्वर्ट? तो इसको कुछ ऐसे करेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा ये भी, एंड ये भी आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा। अगर अब इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किसी बेस के साथ, बेस के साथ भी बोले तो, अगर इसकी रिएक्शन हम करवा दें डाइल्यूट एन ए ओ एच के साथ, डाइल्यूट एन ए ओ एच के साथ, तो ये जो रिएक्शन बनेगी, इस रिएक्शन को बोला जाता है आपका इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये? इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या करते हैं भाई, यहां से देखो, ये वाला जो नेगेटिव, सबसे पहले क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, जो सी डबल बॉन्ड ओ होगा उसके उसके साथ वाले पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब क्या करेगा ये, यहां से अटैक करता है भाई इसके ऊपर, और ये यहां से कुछ ऐसे, तो एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद यहाँ पे पांच मेंबर की रिंग बन जाती है। अगर मैं इसका बाकी अल्डोल में जब मैं नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको और अच्छे से समझा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो मान लो भाई ये आपका अगर फर्स्ट था तो यहाँ पे ओ के ऊपर आ चुका होगा नेगेटिव, ठीक है, फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ एंड उसके बाद ये फिफ्थ, और फिफ्थ के ऊपर अभी भी क्या लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा हुआ है। अब इसमें फर्दर क्या किया जाता है भाई, आप एच पॉजिटिव देते हैं और ये बनता है, इसके बाद भी आपका यहाँ पे ये रिएक्शन हो सकती है अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन। यहाँ से क्या करते हैं भाई, इस ओ एच को निकाल देते हैं एंड यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। अगर इसको फर्दर हीट किया जाता है तो यहाँ पे आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर कौन सी रिएक्शन हुई है भाई, ये पर्टिकुलर कौन सी रिएक्शन हुई है, ये हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो ये हमारी हो गई है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ये पर्टिकुलर हमारी रिएक्शन यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, इसमें ये तो थोड़े से सिंपल टाइप के ही क्वेश्चन चल रहे थे, इसमें जो ये एग्जाम्पल है ये भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एडवांस, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये स्पेशली, ठीक है। ये आपका गेट या नेट में पूछा जा सकता है कभी ना कभी, क्वेश्चन दिखने में आपको थोड़ा सा अलग टाइप से लग सकता है लेकिन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसका प्रोडक्ट डिफाइन करना वो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिखा, इसके बाद यहाँ पे ये, और अब हमने यहाँ पे लगा रखा है कार्बन कार्बन ये वाला, इस पोजिशन पे हमने अल्कोहल लगा रखा है, अल्कोहल। इसको करना है हीट, इसको क्या करना भाई, इसको आपने हीट करना है, तो बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका प्रोडक्ट डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा है अपने आप में ही, है ना, सारे बच्चे इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये सिग्मा ट्रॉपिक है?
तो सिग्मा ट्रॉपिक के लिए क्या देखते हैं, अलाइलिक। तो देखा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक अलाइलिक ये रहा, और फिर देखा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ये रहा, यस अलाइलिक तो है, ये अलाइलिक तो है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाई अलाइलिक सिस्टम मिल गया। अब ये कौन सी हो सकती है, तो देखो नंबरिंग करके देख लेते हैं, एक उसके बाद दो उसके बाद तीन, एक दो तीन, तो ये थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉपिक हो गए भाई। अगर ये थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉपिक भी है, चलो मान ली कि ये थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉपिक है, अब ये कौन सी है, तो एक एक अलाइलिक पोजिशन पे OH, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीकोप सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। क्या करेंगे देखिएगा भाई, वन वन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो मान लो कि आप इस बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे, वन वन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, थ्री और थ्री के बीच का बॉन्ड जोड़ना है, और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा कुछ यहां पे, इसको ध्यान से समझना। वन वन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे दिखाएंगे भाई आप प्रोडक्ट में, इसको आप प्रोडक्ट बनाते टाइम कैसे दिखाएंगे, और इसको देखना ये अच्छे, इसीलिए बोला गया कि ये देखो। तो अब एक बार मैं इसको वैसा का वैसा बना लेता हूं जैसा आपको दिया गया है, उसके बाद दिखाऊंगा कि कैसे। तो अब मैं क्या इस बॉन्ड को तोड़ दूं यहां से, है ना, इसको तो तोड़ ही देना, वन वन के बीच का बॉन्ड तो टूट चुका है ऑलरेडी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे OH लगा ही हुआ है, इसको नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बात भी समझ में आती है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन गया है, एंड इस पोजीशन पे अगर आप देख रहे हो तो मैं अब इसको ऐसे दिखा देता हूँ रेड से, कि हमने इनको जोड़ रखा है आपस में, इनको हम कैसे दिखा देते हैं, रेड रेड डॉट से दिखा देते हैं कि अब हमने इनको आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। अब इससे भी ये प्रोडक्ट ये थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन नहीं हो रहा है, तो अब नंबरिंग करके देखते हैं और समझते हैं कि इसके कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को, समझ में आ गया। देखो वन वन के बीच का बॉन्ड तोड़ा, ये एक और दो, ठीक है, ये एक और दो, यहाँ पे भी आपका कैसा आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड आएगा ना, यहाँ पे भी आपका कैसा आएगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा बेसिकली, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा। अब इसमें देखो नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे अच्छे से। अगर हमने भाई इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, देखो यहाँ से इसको वन बोल देते हैं, इसको टू बोल देते हैं, इसको थ्री बोल देते हैं, इसको इसको हम जैसे भाई फोर बोल देते हैं, इसको हम फाइव बोल देते हैं, इसको सिक्स, इसको सेवन, इसको एट, एंड इसको नाइन बोल देते हैं, इसको नाइन। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई, जो आपको ये वाला बॉन्ड नजर आ रहा है सात और आठ, सात और आठ जैसे ही आपको दिख रहा है, इसको पलट देना है ऐसे, ठीक है, इसके उसको उठा के आपने पलट देना भाई। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सात और आठ, इसको ये जैसे अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल पड़ा तो इसको वर्टिकल कर दो, इसको वर्टिकल। तो इसको अगर देखा जाए कि कैसे करेंगे, तो ध्यान से देख लीजिएगा भाई, एक दो बार बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप इसको इजिली समझ पाएंगे कि कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक बार वैसा का वैसा बना लेते हैं इसको दोबारा से, एक बार वैसा का वैसा बना लेते हैं इसको, यहाँ से बनाया, इसको हम यहाँ से जोड़ रहे हैं, इसको आपका कुछ ये इस प्रकार से यहाँ, एंड ये आपका ये हो गया, इसके ऊपर हमने OH लगा रखा है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। तो क्या बोला गया कि ये जो अगर ये आपका छः है और ये आपका सात है, तो इस ये आपका छः और सात हो गया, तो इस आठ को आप कैसा दिखाएंगे यहाँ पे, है ना, इसको उठा के पलट देना ऐसे। अगर ये आपका आठ है और ये आपका यहाँ पे पाँच है, तो पाँच के ऊपर भी क्या रहा होगा भाई, नौ, पाँच के ऊपर भी क्या रहा होगा, नौ, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखो ये जो आपने सात था, ठीक है, ये सात था और आठ कहाँ पे, आठ को ऊपर की तरफ यहाँ दिखाना है, आठ और नौ आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये देखो ये दिखाया भाई। ध्यान से दोबारा मैं बता दूंगा कि हमने क्या किया इसमें पर्टिकुलर, बाकी सारा सेम, वन टू थ्री फोर, एंड यहाँ पे एक और छः को जोड़ा हुआ है, यहाँ पे एक और छः को हमने जोड़ा हुआ। तो अब अगर आप देखेंगे इसको इजिली, तो आप इसको बनाने बना पाएंगे, समझ पाएंगे। देखो छः मेंबर की बना दें, एक दो तीन छः मेंबर की रिंग बनाते हैं भाई पहले, सबसे पहले इसको एक बार दोबारा से जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि अच्छा है ये अपने आप में। तो ये हमने भाई बनाई छः मेंबर की, ये हमने बनाई छः मेंबर की। अब देखो अगर मैंने इसको नाम दिया है क्या, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, पाँच और छः, ये आपका पाँच और छः नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया भाई, यहाँ पे पाँच नंबर लिखूंगा, क्योंकि ये दो, ये वाला जो पर्टिकुलर दो इसमें आ रहा है भाई, ठीक है। तो पाँच हो गया, इसको हमने बोला छः, एंड ये छः किसके साथ जुड़ा हुआ, एक के साथ, ये दो, एंड ये तीन और ये चार। अब ये जो छः है ये किसके साथ जुड़ा हुआ, सात के साथ। ये छः किसके साथ जुड़ा हुआ, देखो छः किसके साथ जुड़ा हुआ, सात के साथ। सात किसके साथ जुड़ा हुआ, आठ के साथ, ठीक है। सात किसके साथ जुड़ा हुआ है, आठ के साथ, एंड आठ किसके साथ जुड़ा हुआ है, नौ के साथ, एंड नौ किसके साथ जुड़ा हुआ है, पाँच के साथ।
ये बनेगा जी आपका। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो वहीं दिखाऊ, किस किस के बीच में था, सात और आठ के बीच में था, तो यहाँ पे सात और आठ के बीच में डबल बॉन्ड दिखाया, तो यहाँ पे सात और आठ के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दिया। यहाँ भाई देखोगे आप दो और तीन, तीसरे नंबर पे आपको क्या नजर आ रहा था, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये नजर आ रहा था OH, ठीक है ना। तो अब इसका क्या कर देंगे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो फाइनल जो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। फाइनल जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लगेगा और ये आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। दोबारा से देखेंगे, बिल्कुल दोबारा से देखना बनता है भाई, इतना आसान नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं देख पाएंगे कि ये कौन सी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। तो ये आपका भाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, सॉरी ये आपका सिग्मा ट्रोपिक, थ्री थ्री सिग्मा, सिग्मा में भी कोप, कोप में भी आपका ऑक्सीकोप, ठीक है किया सब। अब यहाँ पे ये तो तोड़ना जोड़ना आ गया, इसके बाद क्या किया, ये वाला स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक दो प्रैक्टिस और आपको करवा दी जाएगी इसमें ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो इसमें क्या किया, जो ये सात और आठ का बॉन्ड पड़ा था इसको खड़ा कर दिया, ठीक है, इसको खड़ा कर दिया टेढ़ा। जैसे ही आपको जो ये वाला बॉन्ड है इसको मैं एक बार दोबारा से देखिए, हाईलाइटर भी है ना हमारे पास यहाँ पे, हाँ ये वाला हाइलाइटर, इससे समझते हैं। देखो ये वाला जो बॉन्ड ऐसे पड़ा था, ये ऐसे, ये वाला जो बॉन्ड है जो ये ऐसे पड़ा था इसको हमने खड़ा कर दिया है, ठीक है। इसको ये जैसे मान लो कि एक ये ऐसे था, है ना, एक ये ऐसे बना हुआ था, कैसे इसको हमने ऐसे किया है, ऐसे करेंगे तो ये ऐसा ही तो दिखेगा ना। देखो ये ऐसे था, ये देखो ऐसे जुड़े हुए थे, तो अब ऐसा कर दिया, ऐसे बन जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद तो बड़ा सिंपल था ये, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं सेम इसी टाइप का, बस उसमें थोड़ी सी चेंजमेंट जरूर करेंगे। यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये कार्बन, यहाँ पे एक ऊपर, एक ये ऊपर, ठीक है, यहाँ पे लगाया ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा भैया आपको अच्छे से ना दिखे इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रबंध और कर देता हूँ भाई, ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना भाई, समझ में आ रही है। एंड ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमने फिर से वही लगा रखा है। अब यहाँ पे हमने अल्कोहल लगा रखा है, इसकी भी रिएक्शन करने को बोला हीट के साथ। कैसे करेंगे, सबसे पहले एलाइलिक पोजीशन ये रही जी, सबसे पहले एलाइलिक पोजीशन ये रही, वन टू थ्री, इसी प्रकार वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री हो गया, ठीक है। वन वन के बीच का बॉन्ड तोड़ा यहाँ पे, तीन और तीन के बीच का बॉन्ड भी यहाँ पे एक दूसरे से जोड़ा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा जाके और ये वाला बॉन्ड आएगा यहाँ पे। इसको जब दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे भाई, अब ध्यान से देख लेना सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर केस, ये पर्टिकुलर केस बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। अब मैं ये वाला बॉन्ड तो हटा ही देता हूँ जी यहाँ से, ये वाला बॉन्ड तो हटा ही देते हैं, ये तो टूट ही चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए ये ऐसे लगा हुआ है, इससे देखो ये ऐसे लगा हुआ है, एंड ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया है, OH है, एंड इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको अगर मैं नंबरिंग देता हूँ वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स, इसको सेवन, इसको एट, इसको नाइन, इसको टेन, ठीक है ना, ये बनेगा जी। अब इसको कैसे करना पड़ेगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, इसको फिर से वैसे ही पलट दो, ठीक है। तो इसको जब हम पलटेंगे ध्यान से देखिएगा भाई, मैं यहाँ पे सात आठ पलटेगा, और देखो इसमें ये देखना है कि सात के साथ आठ, आठ के साथ नौ, और नौ के साथ दस जुड़ा हुआ है। तो इसमें जब हम पलटेंगे इसको, देखिएगा भाई पलटी मार के दिखा देते हैं आपको कि कैसे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिएगा इसको पूरे को ही बना लेते हैं दोबारा से, तो इस पूरे को ही दोबारा से बना लेते हैं एक बार और। यहाँ से ये लिया जी हमने, यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये लिया पर्टिकुलर, यहाँ से हमने लिया फिर ये वाला, यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये आपका OH आ गया, इसमें नंबरिंग वंबरिंग करो एक बार, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वन टू थ्री फोर, ये आपका फाइव, ठीक है, ये आपका सिक्स, ठीक है, फाइव और सिक्स ऐसा आ गया है। अब जो सेवन आपने यहाँ दिखाना था ये हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, सेवन को अब उठा के ऊपर की तरफ, या आप यहाँ पे दिखा लो कि ये कुछ आपका सेवन यहाँ पे है, सेवन के ऊपर अब आपने एट दिखा देना है, यहाँ पे एट दिखाया भाई आपने, सेवन के ऊपर एट दिखाया, पांच के ऊपर भी क्या दिखा दो, दस। अब पांच के ऊपर क्या है, दस है भाई, ये बात ध्यान में रखना, पांच के ऊपर क्या है अब आपका, दस है, और बीच में आपको आठ और नौ, बीच में आपको नौ, नौ से जोड़ देना इन दोनों को, बीच में आपको नौ से जोड़ देना। तो ये सात और आठ के बीच में डबल बॉन्ड बन गया,
ये आपका 9 नंबर बन गया। और एक और छः को जोड़ दो भाई यहाँ से, एक और छः को जोड़ देते हैं, लो जी एक और छः भी जुड़ गए हैं। अब इसका मतलब ध्यान से देख लीजिएगा, इन दोनों रिंग में जो कॉमन है वो 5 और 6 है, तो एक ये वाली तो 6 मेंबर की बना ही लेते हैं भाई। तो सबसे पहले जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे ये 6 मेंबर की बन गई है इस प्रकार से, ये मेरा 5 नंबर हो गया, ये मेरा 6 नंबर हो गया, एंड ये आपका जो है ये एक, ये आपका दो, ये आपका तीन और ये आपका चार, दो और तीन के बीच में डबल बॉन्ड एंड तीन के ऊपर ये लगा हुआ। अब 5 से कौन जुड़ा हुआ है देखो यहाँ पे, 6 से कौन जुड़ा हुआ, 7, 6 से कौन जुड़ा हुआ भाई, 7 जुड़ा हुआ है, ठीक है, 7 से कौन जुड़ा हुआ, 8, ये 6 से 7, 7 से 8, 8 से कौन जुड़ा हुआ है, 9, 9 से कौन जुड़ा हुआ है, 10, और 10 से कौन जुड़ा हुआ है, 5, है ना। डबल बॉन्ड कहाँ दिखाएंगे, 7 और 8 के बीच में दिखाएंगे, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म है जी, इनॉल फॉर्म है। इस इनॉल फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे भाई, कीटो फॉर्म में। इस इनॉल फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई, इस इनॉल फॉर्म को हम कन्वर्ट कर देंगे हमारा फाइनली कीटो फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा ये। बोलो भाई कितने बच्चे हैं जो इसको अच्छे से समझ गए हैं, फटाफट से बताएं भाई कमेंट करके कि कितने बच्चों को ये वाला समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो ये जो थी भाई हमारी, ये ऑक्सीकोप का एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इसकी स्टीरियो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी भाई, स्टीरियो को भी देखना आना चाहिए कि स्टीरियो हम इसकी कैसे बनाएंगे, तो स्टीरियो को भी डिस्कस करेंगे। वो बाकी का जो डिस्कशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने पेरिसाइक्लिक में सिग्मा ट्रॉपिक स्टार्ट कर दिया है भाई, पर्टिकुलर मैंने आपको इसका एक एग्जांपल देके मोनोलाइलिक बाइलाइलिक सिस्टम पढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे आपको 1-3, 2-3, 5-5, 3-3 सारी, उसके बाद 3-3 हमने स्टार्ट किया भाई। और 3-3 में हमने देखा कि दो टाइप की मेजरली मिलती है हमें, एक कोप रीअरेंजमेंट मिलती है और एक क्लेजन रीअरेंजमेंट मिलती है। सिंपल सिंपल कोप भी हमने देखे भाई, उसके बाद ऑक्सीकोप देखी, ऑक्सीकोप एंड ये दोनों मैं आज ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, इनके प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो बता चुका हूँ। एजा कोप क्या होगी, एजा ऑक्सी, ये बड़ी आसान है, इन्हीं से लिंक करती हैं ये भी, बस थोड़ी सी पोजीशन वोजिशन एक दो एटम अलग लगा देते हैं उससे। इसकी स्टीरियो इंपॉर्टेंट होती है भाई, इसकी स्टीरियो का डिस्कशन करेंगे काफ़ी अच्छे से। अब सिंपल कोप में तो मैंने ये बताया, ऑक्सी और सिंपल में क्या डिफरेंस होता है, एक अलाइलिक पोजीशन पे आपको कम से कम एक अलाइलिक पोजीशन पे आपको OH ग्रुप लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसमें भाई जो अच्छे क्वेश्चन थे वो कुछ ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि यहाँ से ये जो प्रोडक्ट कैसे बनता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन TFR में, नेट में, गेट में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आशा ये रहेगी भाई ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको वीडियो में दिया गया कंटेंट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी बच्चे जो भी आपके दोस्त पेरिसाइक्लिक पढ़ना चाहते हैं उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी भाई, मेरी जो क्लासेस चलती हैं वो 3 टाइम पे, एक 12 बजे क्लास चलती है, एक शाम को 5 बजे क्लास चलती है, और एक शाम को 7 बजे क्लास चलती है। ये दोनों जो क्लास होती है वो यूट्यूब पे इसी चैनल पे होती है भाई जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। 12 बजे जो हम पढ़ रहे हैं वो PCR पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, 5 बजे जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा ग्रुप थ्योरी जो कि हमने कल ही स्टार्ट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट विद एनिमेशन में पढ़ा रहा हूँ भाई ग्रुप थ्योरी। एंड 7 बजे ये क्लास होती है आपका अन अकेडमी पे, फ्री क्लास होती है अन अकेडमी पे फ्री। इसमें हम गेट 2021 का डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम गेट 2021 का डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप अन अकेडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड SKCAM यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक है भाई। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए भी, ठीक है। इस चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोज़ की, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।